हाँ देखो गाइस, हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे बात जब तक हो। YouTube फैमिली, मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे नेहा सिंह किचन लाइफस्टाइल पे। तो गाइस, आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा जो कि हमने आपको बताया था कि हम शिमला जाने के बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग दिखाएंगे। तो कल हम शिमला आने का ब्लॉग जो अपलोड किया है, तो आपने देखा कि नहीं देखा कमेंट में जरूर बताया। अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देखिए कल का टू शिमला ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में आपको मिलेगा पूरे शिमला का टूर करने का ब्लॉग। तो गाइस, हमने लगभग आधा टूर तो कर लिया है, तो हमने पार्ट टू पार्ट वन बनाया है। तो पार्ट वन में आपको मिलेगा जो कि शिमला के हमने लगभग 3-4 जगह घूमने गए हैं वो देखने को मिलेगा, और ये ब्लॉग है शिमला का पार्ट टू। तो आज हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक मशहूर हनुमान जी का मंदिर है वो देखने जा रहे हैं, और बाकी छोटा मोटा क्या है वो सब देखते हैं, अपने कैमरे में कवर करते हैं आपके लिए, और आप हमारे ब्लॉग के साथ ब्लॉग के जरिए जुड़े रहें और आप भी शिमला का टूर करें, इंजॉय करें। तो गाइस चलते हैं और आपको शिमला का टूर कराते हैं, तो मिलते हैं। चलिए आप बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं और साथ में हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो आइए ब्लॉग के साथ बने रहें और शिमला का टूर करें। तो गाइस, ये है हमारा होटल का गेट, तो आपको ऊपर कैमरे करके आपको दिखा रहे हैं, और होटल का भी टूर आपको कराएंगे। हमने होटल का भी शूट करके रखा है, तो जब ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको होटल टूर कराएंगे। तो होटल टूर के लिए भी कौन कौन बेसब्री से वेट कर रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस, यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह हल्की हल्की सर्दी लग रही है, ठंडा नहीं था, लेकिन फिर बच्चों को हमने पहना दिया, मैंने भी स्वेटर वगैरह ले लिया, आगे जाके मैं पहन लूँगी। रुको, पहले एक ब्लॉग बना लेते हैं। ढाई मंजिल, ढाई मंजिल पावली बढ़ेंगे। अच्छा, अभी बरसातों में पीछे नुकसान हुआ ना। हाँ हाँ, सही जगह। तो ये देखो वहाँ बनेंगे, वहाँ पे बंदर मिलेंगे आपको ऊपर हनुमान जी के मंदिर। बंदर तो बहुत है यहाँ पे। कान में ठंड लग रहा है यार, इसलिए
चलो चलो मैं बना रहा हूँ। चलो नेहा नेहा चलो नेहा हे फैमिली, तो ये शिमला के सबसे मशहूर मंदिर है जिसे जाखू टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये हनुमान जी के प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग भी अगर गए थे वहाँ शिमला तो हमने सोचा कि नहीं दर्शन तो करके ही जाएंगे। तो गए जो हमारे टैक्सी वाले भैया थे कैब वाले, उन्होंने कहा था कि मॉर्निंग में आप दर्शन कर लेना, नहीं तो 11-12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होता है, बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो गए वही 9:30-10 बजे करीब हम पहुँच गए थे और चिंटू यहाँ जिद कर रही थी पापा से कि मैं भी घंटी बजाऊँगी, तो फिर इसे गोद में उठा के यहाँ पर घंटी बजवाए। हाँ देखो गाइस, चिंटू देखो यार अब मारूंगा इसको, धक्का मार दे नीचे चल जाएगी। धीरे धीरे मारना बेटा, सीधा ही है। Thank you.
खोलो सब दिखता अंदर खोलो बंदर ले जाए मेरे को पापा भजवा देंगे गोदी लेके बंद कर ले इसको जब लग रहा है ना शहर को तो ऐसा हो बात ही हो ही फैमिली हलवान जी के दर्शन हमने कर लिए आपको भी करा दी तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वापसी आने के बाद यहाँ पर हमने छोले भटूरे खाए थे और खाने के बाद वापस चलते हैं अपने होटल पे वहाँ से अपना सामान लेते हैं और हमारा निकलने का टाइम भी मतलब होने वाला है 2-3 घंटे है तो फिर थोड़ा बहुत मॉल रोड वगैरह घूमेंगे तो उसका आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें एंड ज़रा शेयर करें। बाय बाय।